मुजफ्फरनगर में मंगलवार को डीएवी कॉलेज के छात्र संघ संयुक्त सचिव अमन जैन के नेतृत्व में स्नातक और प्रस्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ नेता अमन जैन ने बताया कि स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने तत्काल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंधित सहारनपुर मंडल के शामली सहारनपुर मुजफ्फरनगर के महाविद्यालयों में प्रवेश लिया था, जिसमें विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माध्यम से दी थी। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा सहारनपुर मंडल के जिले मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर के स्नातक एवं प्रस्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म CCSU मेरठ से नहीं भरवाकर मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय सहारनपुर से भरवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर छात्रों में आक्रोश है। बात यह है कि अभी जो पिछला सत्र था इसमें स्नातक और परास्नातक में प्रवेश हुए थे, जिसमें विद्यार्थियों का प्रवेश सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में भी CCS यूनिवर्सिटी के अंडर हुआ था। अब फर्स्ट सेमेस्टर तो CCS यूनिवर्सिटी के अंडर उनका हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर के लिए ये कहा गया है कि शाकुंभरी यूनिवर्सिटी तुम्हारे फॉर्म भरवाएगी सहारनपुर मंडल के कॉलेजों के लिए। तो इसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? बात यह है कि अब एक सेमेस्टर तो हो जाएगा CCS यूनिवर्सिटी से और दूसरे और बाकी सारे सेमेस्टर होंगे शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से, जिससे बच्चों को आगे आके समस्या होगी। और CCS यूनिवर्सिटी पहले से इस्टेब्लिश्ड है, उसका नाम है। अब शाकुंभरी यूनिवर्सिटी नई नई बनने लग रही है, तो बच्चों की मांग ये है कि जिस कोर्स में हमने एडमिशन लिया है उसको 2021-2024 सत्र की जो भी डिग्री हैं वे सारी CCS यूनिवर्सिटी से ही कम्प्लीट हों। कितने छात्र हैं, कौन से स्नातक और प्रस्नातक प्रथम वर्ष जितना भी है सभी ये समस्या से जूझ रहे हैं। छात्रों का मानना ये था कि संबंधित डिग्री CCSU मेरठ द्वारा ही पूरी कराई जाएगी और सभी छात्र अभी भी यही चाहते हैं कि उनकी संबंधित डिग्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा ही पूरी कराई जाए। उनकी मांग है कि संबंधित विद्यार्थियों की सत्र 2021-24 की स्नातक और प्रस्नातक चौधरी चरण सिंह से ही पूर्ण कराई जाए, अन्यथा छात्र संघ और सभी स्नातक एवं प्रस्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।